नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। आज हम चार बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहली खबर जो मैं लेके आया हूं, वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां आज लखनऊ के सड़कों पर जमकर बवाल किया समाजवादियों ने अखिलेश यादव की अध्यक्षता में। समाजवादी पार्टी जितने भी विधायक थे वो सड़कों पर उतरे और योगी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर हल्ला बोला है। इन्होंने दरअसल पैदल मार्च करना चाह रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। उसके बाद कैसे सड़क पर ही दमी संसदीय कार्यवाही की अंजाम दिया गया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के तरफ से समाजवादी को शिष्टाचार का पाठ भी पढ़ाया गया। वहीं दूसरी बड़ी खबर मोहली से है, पंजाब से है। जिस तरह से MMS कांड के बाद तमाम सवाल उठते नजर आए, अंतर्राष्ट्रीय तारवे इसे जुटते नजर आए, इन सब के बीच इन MMS कांड को लेकर ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसमें दो मुख्य बातें हैं। पहला, छात्रों को मैसेज के जरिए कनाडा से धमकी दी जा रही है। वहीं दूसरी बात को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तो दूसरा यह है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को एक ऑडियो दरअसल वायरल हुआ है, जिसमें कॉलेज प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को रफा दफा करने की बात भी कही जा रही है। बाकायदा छात्रों को यह कहा जा रहा है कि उन्हें घुमाने लेकर जाएंगे, टूर पर लेकर जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में छात्रों ने इन सब चीजों को मना कर दिया। फिर उन्होंने कैसे कह दिया गया, आप छुट्टी लीजिए और घर जाइए। तीसरी बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी से संबंधित सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और उनके बाद अमानतुल्ला खान और अब यहां पर दुर्गेश पाठक पर शिकंजा कसते हुए ईडी नजर आई है। इसके बाद क्योंकि दुर्गेश पाठक को लेकर के जिस तरीके से अब ईडी के हाथ तमाम सबूत हाथ लगे हैं, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के मुश्किल फिर खड़ी हो रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक विधायक जो आम आदमी पार्टी के वह ईडी के रडार पर चले आ रहे हैं, अब इनसे भी पूछताछ होगी। चौथी बड़ी खबर, दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की बाकायदा एक मूर्ति लगाई है और उस मूर्ति में पूजन पाठ भी करते हैं। मंदिर को पूरा रूप दिया गया है, इसको मंदिर माना है।